बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी जा रही है। बिगर दो दिनों के अंदर 3 गाड़ी गठान 150 गठाने हैं हमें सूबी एग्रो लॉजिस्टिक प्राप्त हुई है। बट कुछ छुटपुंजिया किसान नेताओं ने कुछ किसानों को बरगलाया और उनसे बोला कि वेयर हाउस मालिक के ऊपर हमला करें और उनके कर्मचारियों के हमला किया गया और उससे गठानों को लूट पटोट करी गई और वो धीरे से गायब हो गए हैं। मेरे पास सारे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग है, सारे लोगों की कैमरे में रिकॉर्डिंग है और हम लोगों के द्वारा हम लोगों को बहुत ज्यादा हमला किया, इससे हम लोग दहशत में हैं। हम लोग उपार्जन का कार्य बंद कर सकते हैं यदि इस तरीके की हम लोगों को धमकियां मिलती रही तो। लगभग कितनी गठाने लूट के ले गए, कितनी गठाने आपके पास थी? परसों से हमारे पास 150 गठाने हमें प्राप्त हुई हैं शासन के द्वारा। आज मेरे ग्राउंड में से 3 गठाने बची हुई हैं जिसमें से 50 गठाने मैंने दूसरे केंद्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। उसके बाद लगभग 80 से 90 गठाने किसानों द्वारा कुछ छुटपुंजी है किसान नेताओं के बरगलाने पर उनके द्वारा ये कृत्य किए गए हैं। जो भी बारदाना देती है उसका हमसे रिकॉर्ड लिया जाता है, वो बारदाने की पूर्ति हमें की जाती है, हमें उसका लिखित में देना पड़ता है कि हमने इतना बारदाना लिया है। यदि ये बारदाना कहीं भी चोरी होगा या कुछ भी होगा तो वेयरहाउस मालिक द्वारा उसको पैसे काटे जाएंगे उसके कमीशन में से। जिन लोगों के द्वारा ये लूट की गई है क्या ये किसान थे या असामाजिक तत्व थे? मुझे तो ऐसा लगा कि उसमें से कुछ किसान थे, सीधे साधे किसान थे, बस कुछ किसान नेताओं के द्वारा उनको भड़काकर गलत काम करने के लिए उत्प्रेरित किया गया है उनको। क्या उनके द्वारा आपके ऊपर भी हमला किया गया? मेरे ऊपर भी, मैंने रोका लोगों को तो मेरे ऊपर भी हमला किया गया है, मेरे को धक्का दिया गया है, ये हाथ में थोड़ी सी मेरी चोट भी आ गई है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।